अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये तो सभी जानते हैं कि तरबूज के क्या फायदे होते हैं, तरबूज क्या करता है, पानी की कमी को पूरा करता है, बॉडी को ठंडा करता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि तरबूज को अगर तरबूज के बीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके कितने ज्यादा बेनिफिट होंगे, कितने ज्यादा तिब्बी फायदे होते हैं। और वो अफराद जिनमें विटामिन की कमी है, कौन कौन से विटामिन की कमी है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ये उनको पूरा करेगा। तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे अफराद जिन्हें यह का मसला होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर वो तरबूज खाते हैं तो उनके जिस्म में अमोनिया की मिकदार जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर के मरीज जिनको ब्लड प्रेशर का अक्सर मसला रहता है और वो टैबलेट खाते रहते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उनके लिए भी तरबूज बहुत ज्यादा मुफीद है। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए और हाई ब्लड प्रेशर वालों दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इससे जिस्म में खून की तमाम शरियाने न सिर्फ साफ होती हैं बल्कि पहले से बढ़कर अच्छे अंदाज में काम करती हैं। निहायत सर्द तासीर रखता है, इसलिए गर्मियों के मौसम में मैदे को गर्मी से बचाने के लिए निहायत मुफीद है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बीजों में अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है और ये कितना फायदेमंद है। जिन बीजों को आप फेंक देते हैं, आप गैर जरूरी समझते हैं, तो ये सुनने के बाद आप कभी भी बीजों को जाया नहीं करेंगे। इसके बीज बहुत से बीमारियों का इलाज है। आपने तरबूज को बीजों के साथ किस तरह इस्तेमाल करना है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीजों में विटामिन सी, कॉपर, बायोटीन, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6 और मैग्नीशियम पाया जाता है। तरबूज के बीजों में फैटी एसिड, एसेंशियल प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, थायामिन, नियासिन और फोलेट जैसे अज्जा भी भरपूर होते हैं। तो व्यूअर इससे आपके सर के बाल मजबूत होते हैं, सर की खुश्की खत्म होती है, ब्लड प्रेशर और दिल के मसाइल से ये दूर रखता है, कुव्वत मुदाफत में बे इंतहा इजाफा करके बीमारियों से बचाता है। तरबूज के बीजों में पाया जाने वाला खास जूस लाइकोपीन मर्दाना ताकत में इजाफा करता है और जिस्म को ताकत देकर इंसान को हशाश और बशाश रखता है। तो व्यूअर आपने करना ये है कि तरबूज का आपने जूस बनाना है, क्योंकि जब हम तरबूज को काट के खाते हैं तो उसमें उसके बीज हम निकाल देते हैं, जबकि जब हम उसका जूस बनाते हैं तो उसमें हमने कुछ बीज उसके साथ ही जाने देने हैं। और इसके साथ आप उसमें काला नमक थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं और नींबू के चंद कतरे भी इसमें डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इसकी अफादियत में इजाफा कर देंगे। जब आप ये जूस इस्तेमाल करेंगे तो जिन लोगों को गर्मी, लू लगती है और बार बार प्यास लगती है, आपको ऐसे महसूस होता है पानी पी पी के आप थक जाते हैं लेकिन प्यास खत्म नहीं होती, तो आप ये जब एक ग्लास पियेंगे तो आपकी ये फीलिंग खत्म होगी, जिस्म में पानी की कमी को पूरा करेगा, आंखों की बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, दिल के सख्त पट्टों को ज्यादा काम की तरगीब देता है, हड्डियों को कमजोर करने वाली बीमारी से दूर रखता है, जमा शुदा चर्बी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। तो यकीन करें कि ये वो चीज है जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कब्ज, गुर्दे की पथरी, गर्मी दाने, ये सब इस एक ग्लास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।